पहला सवाल ये है कि टाइटल तो कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, तो आप बताइए वाकई ये क्रिएटर बेसिकली इज सिनोनिम विद जो हमारे रचयिता है, जो इस पृथ्वी को बनाते हैं, ही इज अ क्रिएटर, भगवान शिव बोल सकते हैं, तो वो क्रिएटर है, वो करता धरता है, हर चीज वही करता है। हम लोग बाकी के जो आडंबर है लाइफ में, धर्म, मजहब, नाम, सोच विचार के हिसाब से हम लोग बटे हुए हैं, तो वो क्रिएटर है, उसने हमें ये सब नहीं डाला, हम लोगों ने आपस में ये सब डेवलप किया है। इस फिल्म में भी यही एक लेसन है लोगों को सीखने के लिए कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठें। आज की तारीख में जो हो रहा है चारों तरफ पूरी दुनिया में हो रहा है, नॉट इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटॉलरेंट हो गए लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति, क्यों हो रहा है ये? सिर्फ यही एक मैसेज है कि भाई हम लोग थोड़ा वाइड थॉट रखें, अपने जितना विजन है उसको थोड़ा और वाइड करें और थोड़ा ग्राउंड पे रह के ज़मीनी स्तर पे सोचें। कुछ नहीं है, कल को सब मरने वाले हैं, फिर भी हम आपस में मारकाट लगे करने में लगे हैं, ये नहीं होना चाहिए, दैट्स अ थॉट। मतलब लुक इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर है वो काफी मतलब क्रिमिनल राज में काफी उसका नुकसान हुआ, उसके बीवी उसके बच्चे मारे गए हैं, तब से वो पागल है, तो वो सब दुनिया से मतलब लिटरली अलूफ है, अमेरिका में कहीं पड़ा हुआ है, तो उसको कोई सेंस नहीं है, बाल वाल नहीं काट रहा, तो बड़े हुए और लुक को लेके काफ़ी लोग पॉजिटिव है, बोलते हैं अच्छा है, काफ़ी बोलता है यू नीड अ ट्रिम, तो डिपेंड्स, किसी को शायद पसंद आएगा किसी को नहीं, बट दैट इज़ अ लुक ऑफ द कैरेक्टर। हाँ मतलब दे आर कीनली वेटिंग के भाई कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, देखना चाहते हैं वो फिल्म, तो लेट्स सी फैंस को वो जल्दी मिले किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म रिलीज हो। टीम साथ में आएगी, बड़ा सी आई डी नहीं आएगी, क्योंकि वो जो ब्रांड है वो किसी का कॉपीराइट है, तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। टीम साथ में आएगी एज कॉप्स, एज इन्वेस्टिगेटिंग कॉप्स, बट ऑन सम अदर प्लेटफॉर्म, और उसको करेंगे बहुत जल्द, मतलब अभी थोड़ा माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है, तो बहुत जल्दी करेंगे। फिर से एक नया अंदाज देखने मिलेगा दया का, जिस तरीके से पहले हुआ करता था। अब ये तो व्यूअर्स के ऊपर है, ऑडियंस के ऊपर है, कैसे पसंद करते हैं, हम अपना 100% देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, और एक कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, वो दिल का रिश्ता है, उन्हीं लोगों ने हमको अभी तक सस्टेन किया है, आगे भी वही करेंगे। प्रोजेक्ट्स एक दो फिल्में हैं, एक हिंदी फिल्म है इसके अलावा, और एक मराठी फिल्म भी की है मैंने, वो भी शायद एक दो तीन महीने के अंदर रिलीज होनी चाहिए। फैंस के लिए वही है, मैं तो मतलब हमेशा शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्हीं की वजह से हम लोग 21 साल CID को सस्टेन कर सके, और उन्हीं की वजह से हम लोग हैं, आगे भी वही हैं हमारे कर्ता धरता, फिल्में करते रहेंगे, वेब सीरीज है, कोई भी शोज है, हम आप ही के लिए करते हैं, आप पसंद करेंगे तो हम सस्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज can't help. Thank you so much. The creators title सुनते ही ऐसा लग रहा है कि वाकई ये कुछ अलग ही होगा, क्योंकि कुछ क्रिएट किया गया है। हाँ जी, क्या है वाकई ये किसान? जैसा कि आपने ट्रेलर देखा और आप अगर टाइम से आए होंगे तो फिल्म भी आपने देखी होगी, द क्रिएटर जो है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और अगर ऐसा अगर दुनिया में हो जाए कि नो